खाते गांव तहसील के एक कड़ा गांव में पटवारी रोशन सिंगोटा के साथ हुई मारपीट के विरोध में पटवारी अब लामबंद होने लगे हैं। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटवारियों ने तहसीलदार आर के गुहा एवं नेमावर थाना प्रभारी राजा राम वास्कलेले को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 19 अप्रैल को तहसीलदार के आदेश का पालन करते हुए राजस्व निरीक्षक कार आई प्रवीण तिवारी और हल्का पटवारी रोशन सिंगोटा आवेदक बसंत की ग्राम कड़ा में भूमि का सीमांकन करने गए थे। सीमांकन कार्य के दौरान पड़ोसी कृषक परिवार के रेखाबाई और केसरबाई ने गाली गलौज कर मारपीट की। आरआई और पटवारी जैसे तैसे निकले और पुलिस थाना नेमावर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस घटना को लेकर तहसील खाते गांव सहित जिले के पटवारी में आक्रोश देखा गया। प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे के नेतृत्व में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। उपस्थित न होकर उनकी धर्मपत्नी उपस्थित थी। उन्होंने सीमांकन कार्य में शासकीय बाधा के साथ साथ हमारे पटवारी साथी के ऊपर जानलेवा हमला किया, जो वीडियो में सिद्ध है कि उन्होंने उसको मारा, गाली गलौज की और हमारे साथी पटवारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का प्रयास किया, जिससे हमारे देवास जिले के समस्त पटवारियों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। ये हमारे एक पटवारी के साथ नहीं, पूरे देवास जिले के सभी पटवारी साथियों का अपमान है। और उस संबंध में आज हमारे साथी ने कल थाना नेमावर में जाकर के FIR दर्ज कराई। उस संबंध में जांच जारी है और थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे के अंदर संबंधित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने आज श्रीमान तहसीलदार महोदय के माध्यम से, पटवारी संघ तहसील फतेहगांव के माध्यम से ये मांग रखी है कि 24 घंटे आज शाम को 5 बजे हो जाएंगे, 24 घंटे तक यदि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो, देवास जिला पटवारी संघ तहसील फतेहगांव के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की है।